हमारा देश और पूरा विश्व इस समय कोविड महामारी के प्रकोप से भयभीत है। पिछले कुछ दिन बहुत ही डरावने रहे हैं। हम में से प्रत्येक ने अपने आसपास ऐसी कैजुअलिटीज देखी है जिसने हमें भयभीत कर दिया है। हमने अपने परिजनों को, अपने दोस्त मित्रों को जाते हुए देखा है, जिसने असहाय पीड़ा दी है, असहाय कष्ट दिया है। लेकिन जीवन का नाम रुक जाना नहीं है। हमें प्रत्येक को मूव ऑन होना है, हमें चलना है, हमें कुछ करना है। हम युवा हैं और हम पर सभी की आशाएं अपेक्षाएं होती हैं। हम अगर कुछ नहीं करेंगे तो हमारा जीवन निष्क्रिय हो जाएगा। आज इस सब परिस्थितियों से, इन सब नेगेटिविटी से उबरने का वक्त है। हमको आगे बढ़ने का वक्त है, अपने सपनों को साकार करने का वक्त है। अगर आप अपने आप को एक शेड्यूल पाठ्यक्रम में, एक कैरिकुलम में कंटिन्यू करते हैं तो वास्तव में नेगेटिविटी से दूर रह सकते हैं, इन नकारात्मकताओं से आप आगे बढ़ सकते हैं। मैं आप सभी को, जो हमारे संस्थान के छात्र हैं, हमारे संस्थान के, हमारे चैनल के सब्सक्राइबर्स हैं, उन सभी को यही रिक्वेस्ट उनसे करता हूं, ये अनुरोध उनसे करता हूं कि उन सभी नेगेटिविटी से अपने आप को परे रखें, सकारात्मक माहौल आसपास बनाएं, अपने परिजनों का, अपना, सभी का ख्याल रखें, सबके मनोबल को ऊंचा बढ़ाएं और इस नकारात्मक माहौल से सभी को दूर भगाएं, दूर हटाएं। मैं संदीप तिवारी, टारगेट विथ आलोक ऑनलाइन इंस्टीट्यूट से आप सभी का स्वागत करता हूं। बहुत दिनों के बाद हमारा इंटरेक्शन पब्लिकली आपके साथ हो रहा है। हालांकि बैच में हमने 10 तारीख से ही कक्षाएं प्रारंभ कर दी थी। 10 तारीख से हमने छात्रों को, सभी को, अपनी बैच के सभी स्टूडेंट्स को इन्वॉल्व किया कि आप सभी एक कैरिकुलम में जुड़े और अपनी उस नेगेटिविटी से, जो कि लगातार हमारे ऊपर, हमारे दिमाग पे हावी होती जा रही थी, उससे दूर हट करके अपनी पढ़ाई लिखाई में अपने आप को इन्वॉल्व रखें। अगर आप एक सकारात्मक कैरिकुलम में अपने आप को जोड़ते हैं तो वास्तव में उन सारी नेगेटिविटी से दूर हट सकते हैं। एक मनोवैज्ञानिक प्रभाव होता है जो कि वास्तव में आपको मजबूत करता है। ऐसे बहुत सारे रिसर्च, ऐसे बहुत सारे डॉक्टर्स ने ये सलाह, ये परामर्श दिया है कि जो भी इस माहौल से अपने आप को निकाल सका, कहीं ना कहीं उसके पीछे कोई ना कोई एक इंस्पिरेशन होता है, प्रेरणा होती है, एक मनोबल हाई होने का कोई ना कोई रीजन होता है। मैं आप सभी से यही कहता हूं कि आप सभी भी, जो आपका मुख्य कार्य है पढ़ाई लिखाई, जिसने आपको जीवन देना है, जो आपको आपके जीवन की एक दशा और दिशा तय करेगा, उसमें अपने आप को इन्वॉल्व करिए। और इसके लिए वक्त भी है। हमारे आने का मुख्य उद्देश्य है, क्योंकि अभी तक जो स्थितियां थी, आपने देखा कि जो हमारी पुरानी एक्टिविटीज थी उसमें मैंने आपको इन्वॉल्व किया कि आप अपने आप को पढ़ने लिखने के प्रति प्रेरित करिए। लेकिन आज फिर से एक अवसर है हमारे सामने, जो कि आप देख रहे हैं यहाँ पर, और पिछले कुछ दिनों से इसकी एक्टिविटीज आपने देखी है कि उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, जो कि यूपी ट्रिपल एससी कमीशन के तौर पर जाना जाता है, इसने 40,000 लगभग या उससे अधिक पदों के लिए, ग्रुप सी के पदों के लिए, एक अर्हता परीक्षा, जिसको आप लोग यहाँ पर प्रारंभिक अर्हता परीक्षा पेट कहते हैं, का फॉर्म को आयोजित किया या उसकी परीक्षा को आयोजित करने का शेड्यूल आपको दिया है। उसके फॉर्म आपसे मांगे हैं, मतलब आप उसमें अप्लाई कर सकते हैं इस 2021 के लिए अर्हता परीक्षा के तौर पर। इस परीक्षा को पास करना, इस परीक्षा के थ्रू अपने जीवन को एक नई दिशा देना, ये हम लोगों का इस समय कर्तव्य हो गया, ये हमारी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गई है। क्यों ना हो, क्योंकि हम इससे अपने आप के, अपने जीवन को एक नई दिशा दे सकते हैं, अपने परिजनों के मनोबल को ऊंचा कर सकते हैं। मैं आप सभी लोगों को टारगेट विथ आलोक ऑनलाइन इंस्टीट्यूट की तरफ से इस परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए आग्रह करता हूं। आपसे मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि आप सभी लोग इस परीक्षा में सम्मिलित होएं और अपने जीवन को एक नई दिशा दें। हम लोग भी अपनी तरफ से पूरी तैयारी कराने का, जो भी हमारा एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, हमारी जिम्मेदारी होती है आप सभी के लिए, उसमें कोई कोर कसर नहीं छोड़ेंगे। अपने पूरे प्रयास से हम लोग इसको आपको आगे बढ़ाने के लिए कोशिश करेंगे। मेरा मुख्य उद्देश्य इस प्राइमरी परीक्षा के लिए, जो आपकी जरूरतें हैं, इस यह परीक्षा अन्य परीक्षाओं से कैसे भिन्न है, कैसे अलग है, इस परिचर्चा के साथ साथ मैथ के पाठ्यक्रम को भी मैं प्रारंभ करने की इस चैनल के माध्यम से कोशिश करूंगा। यहां पर जो इसके विशेष पहलू है उन पर मैं आप सबसे डिस्कशन करूंगा, लेकिन सबसे पहले इस पेट की परीक्षा के स्वरूप को आपको समझना आवश्यक है, क्योंकि ये अन्य परीक्षाओं से हटकर है। यह एक अर्हता परीक्षा है, एलिजिबिलिटी परीक्षा है, एलिजिबिलिटी एग्जामिनेशन है, जो कि आपको क्वालिफाई ही करना है। अगर किसी विभाग में कोई वैकेंसी आती है उसमें अप्लाई करने के लिए आपको यह परीक्षा अनिवार्य रूप से पास करना आवश्यक है। जैसे आप टीचिंग स्तर की परीक्षा को जानते हैं कि बिना वैकेंसी ही टेट क्वालिफाई करना आवश्यक है। जब तक आप टेट नहीं क्वालिफाई कर सकते हैं, तब तक आप जो है, जो मुख्य परीक्षा है उसकी, जो कि वैकेंसीज के थ्रू होती है, जो पदों के आधार पर होती है, उसमें अप्लाई नहीं कर सकते। उसी प्रकार से बहुत सारे ऐसे विभाग है, रेवेन्यू है, राजस्व विभाग है, और बहुत सारे ऐसे विभाग, इसमें कुछ विभागों को छोड़ देना
आपको समझना होगा, मतलब इस परीक्षा का उपयोग कहां कहां पर है इसको ध्यान से रखने की आवश्यकता होती है। जैसे पुलिस डिपार्टमेंट पूरी तरह से इससे हट करके, टीचिंग डिपार्टमेंट पूरी तरह से हट करके, और खास करके उत्तर प्रदेश का ही एग्जामिनेशन है, उत्तर प्रदेश के अंतर्गत ही ये परीक्षा कराई जाती है। अदर स्टेट के लोग भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन उसका अलग सिस्टम होता है। इसको आप लोग अच्छी तरह से सब पूछ करके, इसके लिए प्रॉपर डिटेल रवि सर ने एक वीडियो के माध्यम से आपको प्रोवाइड किया है, आप वहां पर जाकर के उसको देख सकते हैं पूरे डिटेल को। हम लोग भी अपने 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 ब्लॉग से, अपने अपने जो है अपने अपने पाठ्यक्रम के पढ़ाने के दौरान हम इन सब पे परिचर्चा बीच बीच में करते रहेंगे, लेकिन आपको अन्य परीक्षाओं से इसको अलग करके ही रखना होगा, क्योंकि अन्य परीक्षाओं का स्वरूप सीधा सीधा आपको जो है उस कंपटीशन को क्वालिफाई करने के अंतर्गत होता है। यहां पर एक एलिजिबिलिटी कहते हैं सर्टिफिकेट लेने की आवश्यकता है। तो यह परीक्षा पूरी तरह से डिफरेंट है, हट करके है, जो बाकी की प्रिपरेशन आपकी होती है। हालांकि पाठ्यक्रम शेड्यूल सब कुछ उसी तरह से रहता है, लेकिन फिर भी अगर इसकी टेक्निकलिटी देखी जाए तो इसकी टेक्निकलिटी बाकी की परीक्षाओं से अलग होती है। मैं यहां पर इस परीक्षा के अंतर्गत कुल 100 अंकों का जो निर्धारण किया गया है, उस 100 अंकों में आपकी 2 घंटे की परीक्षा का शेड्यूल रहेगा। इस 2 घंटे में गणित के पाठ्यक्रम को मैं आपको समझाने की आज कोशिश करूंगा, और बहुत छोटा सा पाठ्यक्रम है, लेकिन साथ साथ कितना टेक्निकल है, क्या शब्द लिखे हैं, उनका उपयोग क्या है, और क्या क्या उनके अंतर्गत आपको पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना, इस पर भी परिचर्चा करेंगे। साथ साथ आज ही मैं पाठ्यक्रम को भी, जैसा आप थंबनेल में देख रहे हैं, मैं इंपॉर्टेंट पाठ्यक्रम को आपके साथ कंटिन्यू करूंगा। अगर आप इस पूरे सेशन को देखते हैं तो गणित के पाठ्यक्रम की अगर बात की जाए तो केवल एलिमेंट्री अर्थमेटिक को रखा गया है, जो आप लोग यहां पर डाउनलोड करके इसके सिलेबस का जो भी शेड्यूल है आपके पास उसको देख सकते हैं। एलिमेंट्री अर्थमेटिक्स में भी देखिए आपको किस तरह से यहां पर शब्दों का चयन कराया गया है, मैं बताता हूं आप सभी को। सबसे पहले देखिए इसने कहा पूर्ण संख्या, जिसे आप होल नंबर कहते हैं, भिन्न, फ्रैक्शन और डेसिमल। फिलहाल अगर हम गणित की केवल बात करें, गणित के उपयोग की बात करें, तो आपको पता है गणित का उपयोग तमाम सारी टेक्निकलिटीज या तमाम सारी प्रॉब्लम्स जो हमारी डेली लाइफ की होती है उनको हल करने के लिए होता है, उनको सॉल्व करने के लिए होता है। बेसिकली गणित ऑपरेशन बेस्ड होता है, मतलब इसमें समीकरण बनाए जाते हैं समस्याओं को देख करके और उनको हल किया जाता है। हल करने के लिए गणनाएं अर्थात कैलकुलेशन की आवश्यकता होती है। तो बेसिकली अगर देखा गया तो मैथमेटिक्स 2 चीजों पे डिपेंडेंट होता है, एक अंक पर, दूसरा उनकी गणना पर। गणना आप जानते हैं, पहले अंकों को समझिए, अंक के अपने अलग अलग यहां पर क्लासिफिकेशंस होते हैं, अंकों का यूज जिस प्रकार से होता है उसी प्रकार से अंकों को समझा जाता है, लेकिन मुख्य तौर पर हम 3 प्रकार के अंक यहां पर फेस करते हैं, इन्हीं का उपयोग करते हैं। जैसा कि आप जानते होंगे कि सबसे पहले हम पूर्णांक संख्याओं का उपयोग करते हैं। पूर्णांक ऐसी संख्याएं होती हैं जिसमें दशमलव नहीं लगा होता, जैसे 2, 4, 6, 10, 8, ये सब जो नेगेटिव पॉजिटिव नंबर्स होते हैं सब पूर्णांक होते हैं। भिन्न संख्याओं का उपयोग करते हैं जिसमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का प्रोसेस होता है, और दशमलव संख्याओं का उपयोग करते हैं। क्लासिफिकेशन बहुत बड़ा है, मैंने पब्लिक प्लेटफॉर्म पर भी पढ़ा रखा है, आप सब देख सकते हैं, लेकिन क्लासिफिकेशन को समझने के लिए हमें, क्लासिफिकेशन अलग क्राइटेरिया है और कैलकुलेशन के दौरान उपयोग में लाए जाने वाले नंबर अलग चीज है, लेकिन है वही सब कुछ अगर देखा जाए मिक्सअप के फॉर्म में। इन नंबर का उपयोग गणनाओं को परफॉर्म करने के लिए, जो हम समीकरण बनाते हैं समस्याओं को हल करने के लिए, उनकी गणनाओं के उपयोग में लाए जाते हैं। समीकरण बनाया किससे जाता है आपको पता है, अंकों से ही बनाया जाता है, वेरिएबल से बनाया जाता है, और उनके बीच जो बेसिक ऑपरेटर्स होते हैं उनका उपयोग किया जाता है। बेसिक ऑपरेटर्स आपको पता है जोड़ है, घटाव है, गुणे है, भाग है, वर्ग है, वर्गमूल है, घन है, घनमूल है, भिन्न के प्रोसेस है, दशमलव के प्रोसेस है, ये सारे प्रोसेस जो समीकरण के माध्यम से हल करने को आपको फेस करने होते हैं वो सब कुछ गणना के अंतर्गत लाए जाएंगे। अब उन्हीं के अंतर्गत इसने देखिए 3 प्रकार की संख्याएं, पूर्ण संख्या, भिन्न और दशमलव का उपयोग हमें दिखाया है, लेकिन इस संपूर्ण कॉन्सेप्ट मैं बता रहा हूं 2 चीजों पर डिपेंड करेगा। एक तो वर्गीकरण पर, मतलब इनके कितने प्रकार होते हैं, किस तरह से रिएक्ट किए जाते हैं, और साथ साथ एक गणनाओं पर बेस्ड होंगे, गणनाओं पर बेस्ड होंगे, मतलब इनके ऑपरेटर्स कैसे काम करते हैं, किस तरह से समीकरण को बनाते हैं और कैसे हल कराए जाते हैं, इन पर पूरी तरह से निर्धारित किए जाएंगे। मैंने हमेशा यह अनुभव किया है कि परीक्षाओं के दौरान जो आयोग हमें सिलेबस देता है उस सिलेबस में बहुत त्रुटियां होती है। मैंने परीक्षा को और जब आयोग के सिलेबस को मैच कराया, और आपने भी फील किया होगा कि हमेशा आपको कहीं ना कहीं एक डिसबैलेंसी, मतलब एक बैलेंसी नहीं मिलती है। लिखा कुछ होता है आता है कुछ, कभी कभी कुछ नहीं लिखा होता है बहुत कुछ आता है, कभी कभी बहुत कुछ लिखा होता है बहुत लेस आता है। यहां पर एक सही जो है
अप्रोच की आवश्यकता होती है, सही तरह से चीजों को परखने की आवश्यकता होती है। आप जब कभी सिलेबस को उठा के देखिए और परीक्षा के पेपर को उठा के देखिए, इसी सब अनुभव के आधार पर हम लोग यहाँ पर अपना पाठ्यक्रम निर्धारित करते हैं, जो आयोग के पाठ्यक्रम से मिला जुला लेकिन उससे बिल्कुल जो है डिफ्रेंशिएट करने वाला होता है। लेकिन ये गारंटी रहती है, सिक्योरिटी रहती है, हम लोग जब परीक्षा के साथ उसको टैली करते हैं, मैच कराते हैं, तो बहुत कुछ आपको या 100% के आसपास की सिमिलरिटी आपको नजर आती है। आगे देखिए, प्रतिशतता केवल लिखा गया है लेकिन आपको पता है कि प्रतिशत को जानना, बेसिकली प्रतिशत को जानना और प्रतिशत को अप्लाई करना, ये बहुत बड़ा अप्रोच होता है। मैं जब प्रतिशत पढ़ाता हूं तो आपको इस बात की जानकारी होगी और जो लोग पढ़े हैं इस बात के लिए वो सियोरिटी ले सकते हैं, कह सकते हैं कि प्रतिशत जिसे परसेंटेज कहते हैं, बेसिकली अर्थमेटिक अर्थात अंगणित की रूट अर्थात उसकी जान होती है, उसका बेस होता है। बिना प्रतिशत अंगणित पढ़ना मुश्किल है, नामुमकिन है, या हम पढ़ तो सकते हैं लेकिन जिस कंपटीशन को हमें फेस करना, उस कंपटीशन को क्वालिफाई करना हमारे लिए बहुत टफ होता है। इसलिए प्रतिशत का उपयोग बहुत बड़ा है। हालांकि हम प्रतिशत को पढ़ाते समय तीन बातों को हम आपको रिप्रेजेंट करते हैं आपके सामने। एक तो कन्वर्जन, हम लोग यहाँ पर प्रयास करते हैं कि सबसे पहले हम प्रतिशत को संख्या में कन्वर्ट करें या संख्या को प्रतिशत में कन्वर्ट करें। दूसरा, हम इंक्रीज डिक्रीज बताते हैं, वृद्धि और कमी को भी दो रूप में हम बताते हैं। एक तो सामान्य वृद्धि कमी के रूप में बताते हैं, दूसरा सतत के रूप में बताते हैं। और तीसरी चीज, हम यहाँ पर तुलना कराते हैं प्रतिशत की तुलना अर्थात कंपेरिजन किया जाता है, जब एक मान को दूसरे मान से हम प्रतिशत के तौर पर कंपेयर करते हैं। लेकिन आप अगर किसी अच्छी किताब को अगर पढ़ते हैं या प्रतिशत के सही सिस्टम को समझते हैं, तो प्रतिशत के एप्लीकेशन के अंतर्गत, उसके उपयोग के अंतर्गत जो उसमें विभिन्न प्रकार के प्रश्न बनते हैं, चाहे आय व्यय पर प्रश्न बने, चाहे चुनाव पर प्रश्न बने, चाहे परीक्षा पर प्रश्न बने, चाहे जनसंख्या पर प्रश्न बने, चाहे किसी अन्य परिस्थिति या मिश्रण पर प्रश्न बने, किसी भी तरह के प्रश्न के साथ साथ लाभ हानि का प्रश्न भी परसेंटेज का पार्ट माना जाता है, छूट का प्रश्न भी परसेंटेज का पार्ट माना जाता है, साधारण और चक्रवृद्धि ब्याज भी परसेंटेज का ही पार्ट माना जाता है। जहां जहां परसेंटेज उपयोग में लाया जा सकता है, इवन मैं आपको बता दूं, मेंसुरेशन में भी बहुत सारे ऐसे पार्ट, जो सर्कल में रेडियस के बढ़ने से सर्कमफेरेंस कितनी बढ़ जाएगी, त्रिज्या के बढ़ने से क्षेत्रफल कितना बढ़ जाएगा, परिधि कितनी बढ़ जाएगी, ये सब भी अगर देखा जाए तो परसेंटेज के उपयोग पर डिपेंडेंट है। तो मतलब यहां पर उन फिगर्स को भी डिस्कस करना, लिखा भले नहीं हो फिगर्स के बारे में, कहीं पे एडवांस मैथमेटिक्स या मेंसुरेशन का जिक्र नहीं किया गया, लेकिन मैं 100% इस दावे के साथ कह रहा हूं उपयोग जरूर किया जाएगा। यही सारी जो विविधता है इस पाठ्यक्रम की, या किसी भी पाठ्यक्रम की बता रहा हूं, उसको यहां पर गहनता के साथ अगर एनालाइज किया जाए, तभी जाकर के हम परीक्षा के उन सभी अंकों को अर्जित कर सकते हैं जो कि हमारी डिमांड में है, वो जो हमारे अप्रोच में है। मैं आपको दिखा रहा हूं यहां पर वृद्धि कमी में भी, मैं आपको बता दूं कि सामान्य वृद्धि, सामान्य सतत वृद्धि या कमी जो भी है, अगर सामान्य वृद्धि हो रही है या वृद्धि कमी को ही अगर हम लोग नोटिस करें, तो जो वृद्धि है, अगर कोई दुकानदार किसी वस्तु को के दाम को बढ़ाकर बेचता है तो लाभ अर्जित करता है, घटा के बेचे तो हानि अर्जित करता है, तो लाभ हानि इसी पे डिपेंडेंट है। कमी करने का अर्थ रिड्यूस करके दाम को बेचा जाए तो छूट भी इसी पे डिपेंडेंट है। अगर वृद्धि के साथ समय भी इन्वॉल्व कर लिया जाए तो ब्याज हो गया। सामान्य वृद्धि मतलब एकल वृद्धि के साथ समय इन्वॉल्व किया तो साधारण है, सतत के साथ अप्लाई किया गया तो चक्रवृद्धि है। तो कहने का अर्थ है सबका उपयोग बहुत बड़ा है, उपयोग इसका 100%। और मैं आपको ये भी बता रहा हूं, इन सब दौरान आप रेशियो का उपयोग करेंगे, पूरे पाठ्यक्रम में रेशियो कहीं नहीं लिखा है, लेकिन मैं गारंटी के साथ आपको कह रहा हूं रेशियो जरूर यहां पर उपयोग में लाया जाएगा, क्योंकि इनको पढ़ने के दौरान भी आप रेशियो का उपयोग करेंगे। अनुपात के बगैर संभव नहीं है सब चीजें, अनुपात के बगैर अर्थमेटिक ही संभव नहीं है, ध्यान से समझिएगा, बिना अनुपात नहीं पॉसिबल है। तो अनुपात लिखा भले नहीं है लेकिन मैं लिख दे रहा हूं कि अनुपात का यूज उपयोग जरूर किया जाएगा, हमें पढ़ाना अवश्य होगा अनुपात को, और अनुपात को पढ़ाना है तो, और यूपी ट्रिपल एससी कमीशन की बात, खास करके उत्तर प्रदेश की बात करें परीक्षाओं की, तो अनुपात भले नहीं दिया है, एज रिलेशन का प्रश्न जरूर पूछा जाएगा। एज रिलेशन पूछा गया तो जाहिर सी बात अनुपात के बगैर पॉसिबल नहीं है, और आप देखते हैं बहुत सारी परीक्षाएं जहां पर मैथ आती ही नहीं वहां भी एज रिलेशन पूछा जाता है, ये बात आपको समझने की आवश्यकता है। सामान्य अंगणित समीकरण, अंगणितीय समीकरण, हालांकि इसको तो हमने ऊपर ही डिस्कस कर लिया कि बिना समीकरण सोल्यूशन ही नहीं है, समीकरण अर्थात प्रॉब्लम को बैलेंस करना, प्रॉब्लम को बेस करना और उसके ऊपर गणना परफॉर्म करना, जितनी भी अंगणितीय समीकरण का सिस्टम होगा उसको हम शुरुआत में ही देखेंगे और एक शेड्यूल या सिक्वेंस के साथ आगे बढ़ेंगे। वर्ग एवं वर्गमूल, मैंने आपको ऑपरेटर में ही डिस्कस किया कि यहां पर जब गणित के ऑपरेटर्स की बात की जाती है तो वर्ग वर्गमूल, साथ साथ मैंने कहा घन घनमूल भी हम लोग डिस्कस कर लेंगे और उसके आगे बढ़ेंगे। घातांक और घात लिखा है, बेसिकली करड़ी होता है,
लेकिन घातांक और घात की बात किया जा रहा है तो जो सरलीकरण अर्थात बेसिकली कैलकुलेशन के दौरान ही हम तीन पार्ट में सरलीकरण पढ़ाते हैं, बॉड मास रूल बताते हैं, अलजेब्रिक कॉन्सेप्ट बताते हैं और साथ साथ घातांक करणी का उपयोग बताते हैं। तो घातांक और घात वहां पर डिस्क्राइब कर दिया जाएगा, उसके लिए निश्चित रहिएगा। एक टॉपिक इसने औसत रखा है जो अच्छा है टॉपिक अगर देखा जाए, बहुत कुछ काट के रखा है, जैसे टाइम एंड वर्क काट दिया है, पाई कंसिस्टेंट बोट एंड स्टीम जो कि टाइम स्पीड डिस्टेंस टाइम चाल दूरी समय का पार्ट होता है, नावधारा काट दिया है, आप देख रहे हैं एलसीएम एससीएफ काट दिया है, इस तरह से इसने कई सारे चीजों को अलग से नहीं रखा है हमारे पाठ्यक्रम के अंतर्गत। तो कोई बात नहीं, हम लोग जितना उपयोग में लाएंगे, जितना हम लोग को जरूरत है उसके हिसाब से बढ़ेंगे। कुल 5 अंकों के लिए इन सभी टॉपिक को पढ़ने की आवश्यकता है जो हम लोगों को अध्ययन जो हम लोगों को प्रॉपर सिक्वेंशियल अध्ययन के तौर पर रखना है। इसमें कुछ एक इंपॉर्टेंट पार्ट, जैसे कि आप अगर कोई बैंक की परीक्षा पार्टिसिपेट किया है तो डीआई मुख्य पार्ट माना जाता था, बैंक पीओ में खासकर और क्लर्क में आपने देखा था कि, और आजकल तो सभी परीक्षाओं में डीआई बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है जिसको आप डेटा इंटरप्रिटेशन कहते हैं। डेटा इंटरप्रिटेशन अर्थात आंकड़ों का आकलन। यहां पर बात आंकड़ों की कही जाती है और आंकड़ों को समझने के लिए मैं आपको 100% कह दूं कि हमें सांख्यिकी का नॉलेज होना आवश्यक है आंकड़ों को समझने के लिए, क्योंकि आंकड़े एक रिकॉर्ड होते हैं जो कि किसी भी पर्टिकुलर कलेक्शन से लिए जाते हैं, चाहे किसी एक स्कूल के छात्रों की कोई एक रिकॉर्ड कलेक्ट की जाए, उनकी आयु, उनकी एजेस, उनका मार्क्स, उनका कुछ भी, या कोई कंपनी के सेल्स रिकॉर्ड कलेक्ट किए जाए, या किसी क्रिकेटर की परफॉर्मेंस को रीड किया जाए, मतलब एक समूह के अंतर्गत हमें किसी रिकॉर्ड को कलेक्ट करना आंकड़े कहलाते हैं। इसकी पूरी ट्रीटमेंट स्टैटिस्टिक्स अर्थात सांख्यिकी के अंतर्गत होती है और उस सांख्यिकी के अंतर्गत उन आंकड़ों को रिप्रेजेंट अर्थात प्रदर्शित किया जाता है। जो इनका प्रदर्शन होता है बेसिकली तीन तरीके से होता है, यहाँ पे तो इन्होंने दो ही रखा है, और अगर बैंक पीओ आपने फेस किया है तो कभी कभी दो फिगर दिए जाते थे डेटा इंटरप्रिटेशन के तौर पर, कभी कभी एक ही फिगर दिया जाता था। और मैंने आपको या हमारे बैच में हमने डेटा इंटरप्रिटेशन पढ़ाने के दौरान इस बात की जानकारी दी है कि हमें डेटा इंटरप्रिटेशन पढ़ने के लिए कुछ मुख्य चीज जैसे परसेंटेज है, रेशियो है, औसत है, इन चीजों का एक भरपूर नॉलेज होना चाहिए, विदाउट उसके कुछ पॉसिबल नहीं है। तो हम रेशियो वहां भी देखिए शब्द उपयोग में लाए थे और यहां पर भी उपयोग में ला रहे हैं, तो रेशियो एक महत्वपूर्ण पार्ट है, इसको ध्यान में रखिएगा, भले नहीं लिखा लेकिन पढ़ना आवश्यक है आपके लिए, वो लिखा भले नहीं है लेकिन पढ़ाया जरूर जाएगा। प्रदर्शन देखिए तीन विधियों से बेसिकली किया जाता है, मैं आपको समझा दूं, प्रदर्शन तीन विधियों से किया जाएगा और तीन विधियों में सबसे पहली विधि है, मैं यहां पर लिख देता हूं, टैबुलर मेथड। सबसे पहली विधि है टैबुलर मेथड, मतलब तालिका विधि, हिंदी में लिख दे रहा हूं तालिका विधि। आपने देखा होगा कि हमारी बहुत सारी जानकारियां टेबल के माध्यम से हमारे सामने प्रदर्शित की जाती है, जैसे हमारी सर्टिफिकेट बनती है, किसी कंपनी के सेल्स रिकॉर्ड को रो कॉलम वाइज हम लोग यहां पर दिखा सके, पहले हम सीक्वेंस रखें उसके बाद हम, जैसे आप कोई सामान खरीदने जाइए तो बिल बनता है वो भी टेबल पर ही बेस्ड बनाया जाता है। ऐसे दूसरा है ग्राफ विधि, ग्राफ में आपने जैसे क्रिकेट देखा होगा तो वहां पर आप दंड आरेख देखते हैं, दंड आरेख बेसिकली इसको बार डायग्राम कहते हैं जो कि दोनों तरीके से बनता है, हॉरिजॉन्टल भी बनता है, वर्टिकल भी बनता है, इसमें पॉलीगन भी बनाया जाता है, लाइन का उपयोग किया जाता है। इसमें ग्राफ में दो प्रकार से चीजें बनती है, एक बार बनता है ध्यान से देखिएगा और एक लाइन बनता है। तो लाइन का उपयोग करके आप ओजाइब्स कर्व भी जनरेट करते हैं, ओजाइब्स भी जनरेट करते हैं, फिगर भी बनाते हैं, और बार का उपयोग देखिए दंड डायरेक्ट जो है इंफॉर्मेशन को, जब आप देखिए क्रिकेट देखते हैं तो टीवी में तो एक एनालिसिस जब की जाती है तो आपने देखा होगा कि बताया जाता है, जैसे पहली टीम ने खेल लिया अगर मान लो उसने एक टारगेट दे दिया तो दूसरी टीम उस ओवर तक उसी एक टैली के साथ बढ़ती है और दोनों टीम के बीच कंपेरिजन एनालिसिस की जाती है। तो ये सब बार ग्राफ और लाइन ग्राफ का उपयोग है। और एक इंपॉर्टेंट पार्ट है पाई चार्ट। पाई चार्ट आपने पाई चार्ट जरूर सुना होगा, एक सर्कल यूज की जाती है जिसमें संपूर्ण इंफॉर्मेशन को सेक्टर वाइज प्रेजेंट किया जाता है। इसके लिए सेक्टोरियल एंगल का फॉर्मूला होता है कि आप अपनी कंप्लीट इनकम को 100% मान लेते हैं और उसी 100% को 360 डिग्री के रूप में कन्वर्ट किया जाता है और प्रत्येक के लिए एक सेक्टोरियल एंगल जनरेट करके उस इंफॉर्मेशन को एक सर्कल पर प्लॉट किया जाता है। लेकिन हमारे इस पाठ्यक्रम में अगर देखा जाए दो ही फिगर रखा गया है, एक तो ग्राफ की व्याख्या दी गई जिसमें संपूर्ण ग्राफ का कॉन्सेप्ट, जिसमें हम लाइन डायग्राम और बार डायग्राम दोनों हम समझाएंगे, और इसको दो ग्राफ के रूप में दिया जाएगा, 10 नंबर का, ये प्रत्येक 5 प्रश्न होंगे एक फिगर पर, मतलब 10 नंबर का होगा, एक एक नंबर के सभी प्रश्न होंगे। और दूसरा हमको दिया गया तालिका या की व्याख्या और विश्लेषण, तालिका ऊपर ही मैंने मेंशन कर दिया लेकिन मैं 100% श्योर कर रहा हूं कि पाई चार्ट का उपयोग भी किया जाएगा। तो पाई चार्ट भी आपके पाठ्यक्रम का हिस्सा ही रहेगा, वो कहीं से भी हटकर नहीं रहेगा। मैं इसके लिए ग्राफ के लिए मैं आपके लिए एक लाइव शेड्यूल मैं
आज ही कल में मैं प्रेषित करूंगा आप लोगों को, जो कि हम पब्लिकली ग्राफ के सिलेबस को आपके साथ डिस्कस करेंगे। मैं आपको पढ़ाना शुरू करूंगा, आप सभी लोग लाइव रह करके ग्राफ के इस कॉन्सेप्ट को पढ़िएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा और बहुत ही अच्छा फील होगा। आज मैंने क्योंकि पाठ्यक्रम प्रेषित किया है, पाठ्यक्रम को समझाया है, तो मैं चाहता हूं कुछ ना कुछ पाठ्यक्रम के हिस्से को भी कवर किया जाए। इसके अंतर्गत एक बहुत इंपॉर्टेंट, जैसे अर्थमेटिक में आपने देखा एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है वर्ग और वर्गमूल। बेसिकली इसमें कुछ ट्रिक्स टेक्निक्स भी होती हैं जिसके माध्यम से हम लोग इस टॉपिक को बहुत अच्छी से समझ सकते हैं और सीख सकते हैं। नोट कर लीजिएगा सभी लोग, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। इस टॉपिक को मैं थोड़ा सा समझाने की कोशिश करूंगा, आप लोग ध्यान से देखिएगा, जिसको हम हिंदी में कहेंगे वर्ग और वर्गमूल, वर्ग और वर्गमूल। आज देखिए जितना संभव हो सकेगा उतना हम लोग कवर करेंगे, एक ऐसा सेशन जो आपके लिए महत्वपूर्ण हो, यही प्रयास हम लोग का रहता है, हमेशा आपके टाइम का उपयोग हो सके, आपके टाइम का सही सदुपयोग आप भी कर सके, हम भी कर सके, यही हम लोग की यहाँ पर हम लोग की इच्छा होती है, हम लोग का काम होता है। मैं यहाँ पर बात सबसे पहले कर रहा हूँ स्क्वायर की, आप लोग यहाँ पर स्क्वायर करिए, स्क्वायर देखिए क्या है, वर्ग जिसको कहते हैं, बेसिकली आपको एक संख्या है और संख्या का नाम अगर एक्स है, अगर हम एक्स का वर्ग करने की सोच रहे हैं तो एक्स को एक्स से मल्टीप्लाई किया जाएगा, प्रेजेंट कुछ इस प्रकार से किया जाएगा। कोई भी संख्या को जब खुद से गुणा किया जाता है तो वह संख्या उसका वर्ग प्रोवाइड करती है, इसका अर्थ ही आपको पता है कि एक्स गुणे एक्स होगा। अब ये जो संख्या है ये आपकी पूर्ण वर्ग संख्या कहलाती है, ये क्या हो गई, एक पूर्ण वर्ग संख्या, परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो गई। किसी भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर से हम उसका वर्गमूल ज्ञात कर सकते हैं तो वह संख्या ही हमको प्राप्त हो जाएगी। तो जो दो शब्द लिखे गए हैं वर्ग और वर्गमूल, बेसिकली इसी पर बेस्ड होते हैं कि कोई संख्या है उसको खुद से गुणा कर दीजिए वह उसका वर्ग हो जाती है, और जो संख्या मिलती है उसे हम पूर्ण वर्ग कहते हैं, और पूर्ण वर्ग से फिर से उसका हम वर्गमूल आराम से निकाल सकते हैं, हमें फिर से वही संख्या प्राप्त हो जाती है। जनरल तौर पर अगर हम बात करें शुरुआत की संख्याओं की, जैसे जीरो का वर्ग, एक का वर्ग, दो का वर्ग, तीन का वर्ग, चार का वर्ग, पांच का वर्ग, छह का वर्ग, सात का वर्ग, आठ का वर्ग, नौ का वर्ग। अब देखिए अगर जीरो के वर्ग की बात किया जाए तो जीरो है, एक का वर्ग एक है, दो का वर्ग चार है, तीन का वर्ग नौ है, चार का सोलह है, पांच का पच्चीस है, छह का छत्तीस है, सात का उनचास है, आठ का चौसठ है, नौ का इक्यासी है, दस के लिए अगर सोचेंगे तो सौ है, ग्यारह के लिए एक सौ इक्कीस है, बारह के लिए एक सौ चवालीस है, तेरह के लिए एक सौ उनहत्तर है, चौदह के लिए एक सौ छियानवे। ऐसे अगर हम लोग ऑफलाइन क्लास में अगर डिस्कस करते हैं तो ये संख्या शुरुआत में तो बहुत ज्यादा होती है, धीरे धीरे रिड्यूज होने लगती है क्योंकि लोगों को वर्ग याद नहीं रहता है। हमारा उद्देश्य रहेगा कि आपको इस तरह से कम नहीं तो 50 तक का वर्ग जरूर याद हो, 50 तक का वर्ग आपको तैयार हो, याद हो। याद का अर्थ है कि आप प्रोसेस का उपयोग करके 50 तक के वर्ग को ओरल हमसे बता सके, ये अगर आपको क्लियर है तो बाकी किसी भी डिजिट की कोई भी संख्या होगी उसके वर्ग को करने में आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। इसके लिए भी मैं कुछ प्रोसेस बताऊंगा जो कि दो डिजिट की संख्याओं के ऊपर डिपेंडेंट होगा, तीन डिजिट की संख्याओं के लिए डिपेंडेंट होगा, जो संख्याएं 100 के, 1000 के, 10000 के नजदीक है उनकी संख्याओं के लिए बड़ा ही इंपॉर्टेंट होगा। तो आप सभी एक एक करके चीजों को समझने की कोशिश करिएगा। मैं आप सभी से यही कहूंगा अच्छी तैयारी के लिए 50 तक के वर्ग की प्रिपरेशन, और घन जब मैं पढ़ाऊंगा तो उसकी मैं डिटेल आप लोगों को करूंगा कितने तक का घन एटलीस्ट आपको तैयार होना चाहिए। अब हम अगर दो अंकों के किसी भी संख्या की बात करते हैं, दो अंक की संख्या की बात करें तो दो अंक की संख्या के वर्ग को करने के लिए मैं आपको कुछ प्रोसेस बता रहा हूं, आप ध्यान से देखिएगा, इसमें कुछ जहां जहां पर कुछ आसान ट्रिक्स होंगे उनको भी मैं आपको तुरंत वही डिटेल कर दूंगा, उसको आप लोग कवर कर लीजिएगा। जैसे एक फार्मूला आपने पढ़ा है अलजेब्रा में, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, क्योंकि आप जानते हैं कि 11 का, 12 का, 13 का, 14 का, जो भी संख्याएं आप दो डिजिट की ले रहे हैं जो याद है वो तो ठीक है, लेकिन जो नहीं याद है उनके लिए आपको प्रॉब्लम होती है। तो सबसे पहले a प्लस बी का होल स्क्वायर आप समझिए होता क्या है, ए स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये प्रोसेस है, लेकिन जनरली लोग बोलते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी, बट आपको इस रूप में ही रिप्रेजेंट करना है। अब यहां से अगर हम प्लस बी हटा दें, इसको ऐसे कुछ लिख दें, ए ऑब्लिक बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर ऑब्लिक ट्वाइस ए बी ऑब्लिक बी स्क्वायर, अगर आप इसका उपयोग करेंगे तो आपको सही अनुभव होगा, सही अच्छा लगेगा। अब इसमें आप दो डिजिट की कोई भी संख्या रखिए, जैसे हमने कहा 13 रखते हैं, इसका वर्ग अगर हम सोचें, देखिए कैसे लिखा जाएगा, ऐसे इसको ब्रेक कर दें, इसको ए माने, इसको बी माने, नियमता देखिए क्या लिखा हुआ है, ए स्क्वायर मतलब 1 का वर्ग, 2 गुड़े 1 गुड़े 3 और 3 का वर्ग, 3 का वर्ग, 1 हुआ, 6 हुआ, 9 हुआ, पर सही आंसर क्या हुआ, 169 हुआ। इस तरह से हमने किसी भी दो डिजिट की संख्या की बात की, अब चाहे वो संख्या कुछ भी हो,
आप संख्या चाहे जो भी उठा ले, जैसे मान लीजिए मैंने कहा 23 ले लेता हूं, मैं 23 ले लिया मैंने, इसको हमने ए माना, ए माना, इसको हमने बी माना। अब देखिए 2 का वर्ग, 2 गुणे 2 गुणे 3 कर दिया हमने और 3 का वर्ग कर दिया। अब देखिए भैया 4 हुआ, 2 दूना 4 दिया 12 हुआ और ये 9 हुआ। इसको थोड़ा सा लिखने का प्रोसेस समझिए, अंतिम से चीजें लिखी जाती है तो सबसे पहले 9 लिखा जाएगा, 12 में केवल 2 लिखा जाएगा, 1 को इसका कैरी बना दिया जाएगा, हासिल बना दिया जाएगा, जो 4 में 1 जुड़ करके क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो इसका आंसर सही से 529 होगा। इसी तरह से आप कोई भी संख्या उठा ले, 52 ले लिया हमने, इसका वर्ग सोचिए, 5 पचे 25 होगा, 2 पंचे 10 दूना 20 होगा और 2 दूना 4 होगा। पहले 4 लिखिए, फिर 0 लिखिए, फिर 2 ले जाके उधर जोड़ दिए, 2704 हो जाएगा। इस तरह से हम किसी भी 2 अंकों की संख्याओं का वर्ग ए प्लस बी के होल स्क्वायर के फार्मूले का उपयोग करके कर सकते हैं। मैंने जैसे अभी बताया कि इसका एक मेथड और मैं आपको प्रेजेंट कर रहा हूं आपके सामने। कोई भी संख्या, जैसे आप किसी भी संख्या की बात कीजिए, सपोज करिए हमने एक संख्या ली है 23। अब आप देख रहे हैं 23 का वर्ग अभी हमने आपसे कराया, आपने ए प्लस बी के होल स्क्वायर का उपयोग करते हुए किया, तो कितना बनकर सामने आ रहा है, 2 का वर्ग, 2 गुणे 2 गुणे 3 लिखा हमने और 3 का वर्ग किया। अब आप देखिए इसको 4 लिखा था आपने, इसको 12 लिखा था और इसको 9 लिखा था, यहां से लिखना शुरू किया 9, यहां पर 2 और 4 में 1 जुड़ करके आपका कितना हुआ था, 5, ये आंसर आया था। मैं इसके लिए एक प्रोसेस और बता रहा हूं, ध्यान से उसके रूल को समझिएगा, मे बी वो आपके लिए ज्यादा इफेक्टिव हो, ज्यादा अच्छा हो। जहां जहां जो बेस्ट होगा वो मैं आपके सामने प्रेजेंट और प्लॉट करूंगा, बस आपको अपने से उसको ग्रैप्स करने की आवश्यकता है। मैंने कहा अगर कोई संख्या ए बी है, उस ए बी को ए बी से ही गुणा कर रहे हैं, और यह केवल वर्ग में ही नहीं काम करेगा, यह किसी भी मल्टीप्लीकेशन में काम करेगा, जो 2 अंकों की कोई संख्या है उसके लिए काम करेगा। इसका वर्ग करने का मतलब सबसे पहले बी को बी से मल्टीप्लाई कर दें, तो बी इंटू बी लिख सकते हैं या बी का वर्ग लिख सकते हैं। फिर देखिए ए को बी से कर दें, बी को ए से कर दें, अर्थात मैं लिखूं ए बी प्लस ए बी, ए बी प्लस ए बी, फिर अंतिम में ए को ए से कर दें, ए का वर्ग। आप इस मेथड को अगर उपयोग में लाते हैं, और जो लिखने का प्रोसेस है इकाई से एक एक अंक को लिखने की आवश्यकता है, तो उस तरह का उपयोग करके हम लोग यहां पर आराम से बना सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर जो भी हमने संख्या लिखी 23, 23 का वर्ग मतलब 23 को 23 से करना है मल्टीप्लाई। अब देखिए कैसे किया जाएगा, और केवल इतने के लिए नहीं काम करेगा, देखिए 3 का वर्ग 9, 2 तिया 6 2 तिया 6 6 6 12 और 2 दूना कितना होगा, 4। अब लिखने के दौरान आप ही, मैंने आपको बताया कि लिखने का प्रोसेस क्या होता है, लिखने का प्रोसेस अगर आपको अप्लाई करना है तो सबसे पहले 9, फिर 2, 1 में 4 जोड़ दीजिए, 5 529। संभवतः ये आपके लिए, अगर फार्मूला नहीं याद करना है तो बेस्ट होगा, पहले आपको इससे करना होगा, फिर इसको इससे करके मल्टीप्लाई करके ऐड करना होगा, और फाइनली इसको इससे गुणा करके आपको, मतलब गुणा का सेंस वर्ग करना होगा। अब देखिए और नंबर हम उठाते हैं, जैसे मान लीजिए मेरे पास है 42। अब देखिए 42 का वर्ग हमें करना है, इसके लिए आपको लिखना पड़ेगा 42 और 42। देखिए जो हमने ये प्रोसेस बताया, संभवतः ये आपके लिए अच्छा हो तो आप लोग इसी को अप्लाई करिएगा, 2 दूना 4, फिर देखिए इसको इससे गुणा करिए, इसको इससे गुणा करिए, 4 दूना 8 4 दूना 8, तो मतलब 8 8 16 हो गया, और अंतिम में 4 का वर्ग कितना होगा, 16 हो जाएगा। अब यहां पर 4 लिखिए, यहां पर 6 लिखिए, इसको इसमें जोड़ दीजिए, 17 हो जाएगा। आप उस प्रोसेस से भी करते तो आपको वही हल मिलता। जैसे देख लीजिए, अगर हम ए ऑब्लिक बी मान लेते, ये आपको डिफाइन करना है कि कौन सा मेथड मेरे लिए परफेक्ट है। 4 चौके 16, 2 चौके 8 दूना 16 और 2 दूना 4। पहले 4 लिखा, 6 लिखा, इसमें इसको जोड़ा, 7 17 हो जाएगा, 1764। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि कौन से मेथड का हम उपयोग कर रहे हैं, कैसे करना चाहिए हमें, करना कौन से मेथड का उपयोग चाहिए, ये डिपेंड करता है। लेकिन आपको पता है कि धीरे धीरे नंबर, जैसे मान लीजिए मुझे कहा जाए 72 का करना है वर्ग, तो 72 के लिए हम 72 को देखिए इस मेथड का उपयोग करें, 2 बार लिखे, ये हमने लिखा, 2 दूना कितना होता है, 4 होता है, 7 दूना 14 होता है, 7 दूना 14 14 28 लिख सकते हैं हम लोग यहां पर, और 7 सते 49 लिख सकते हैं, 4 लिखा जाएगा, 8 लिखा जाएगा, 49, 2 जुड़ करके कितना हो जाएगा, 5184 यहां पर इसका वर्ग हो जाएगा। इससे हम आराम से कर सकते हैं। ऐसे संख्याएं अगर बढ़ती गई, जैसे मान लीजिए कभी आपसे कोई कहे 75 का वर्ग करिए, अब देखिए 75 का वर्ग हम चाहे जिस मेथड से करें, जो मेथड हमने आपको बताया है, तो उस मेथड से अगर आप करेंगे, मान लीजिए हमने लिखा 75 और 75, अब 75 के लिए आप 5 पचे कितना करेंगे, 25, 7 पचे 35, 7 पचे 35, 35 75 हो गया और 7 सते 49 हो गया। अब देखिए यहां पर लिखा 5 70 में 2 जोड़ा 72 कैरी 2 लिखा कैरी 7 और 49 7 कितना होता है, 56, 56 25 हल होगा, इसका आंसर होगा।
मैं इसके लिए आपको एक मेथड बताने जा रहा हूं, उसको आप लोग ध्यान से समझिएगा। जब किसी भी संख्या के अंत में 5 आए, आप हेडिंग कर ले सकते हैं यहां पर पॉइंट के तौर पे, जब किसी भी संख्या के अंत में 5 आए, अंत में 5 आए, उसका प्रोसेस समझिए कि उसका हम उसको हम और अच्छे से कैसे रिएक्ट कर सकते हैं। अर्थात आपको कभी मान लीजिए 15 का वर्ग करना हो, कभी मान लीजिए 25 का वर्ग करना हो, कभी मान लीजिए 35 का वर्ग करना हो, 45 का करना हो, 55 का करना हो, 65 का करना हो, अभी जो किया 75 का करना हो, 75 का करना हो, 85 का करना हो, 95 का करना हो, किसी का भी वर्ग आपको करना है जिसके अंत में 5 है। प्रोसेस समझिए कैसे किया जाता है। आप देख रहे हैं कि अंतिम में 5 है सभी संख्याओं के अंत में, तो जो प्रोडक्ट होगा, जो वर्ग होगा, उसके अंत में हमेशा 25 आएगा ड्यू टू दिस 5। इस 5 की वजह से यहां पर हमेशा 25 होगा। अब 5 का रोल खत्म है, बाकी हमारे पास 1 बच रहा है। 1 के बाद अगर सीक्वेंस की बात की जाए नेचुरल नंबर में, तो अगली संख्या क्या होती है? 2 होती है। 1 को 2 से गुणा कर दीजिए, वैल्यू 2 हो जाएगी, 225 हो जाएगा। इसी तरह से अगर यहां पर 5 है तो इसका भी मतलब 5 ही होगा, और 2 के आगे क्या होता है बताइए? 3 होता है, 2 × 3 कर दीजिए तो कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। ऐसे यहां पर 25 है और 3 के आगे क्या होता है? 4, 3 × 4 = 12। ध्यान से अगर समझेंगे तो यह मेथड, यह प्रोसेस आपको क्लियर हो जाएगा। इसी तरह से देखिए 5 × 5 = 25 और 4 के बाद 5 होता है, 4 × 5 = 20। ऐसे इसका सोचे 5 × 5 = 25, 5 के बाद 6 होता है, 5 × 6 = 30। इसी तरह से 5 × 5 = 25 और 6 के बाद 7 होता है, 6 × 7 = 42। अभी इसका देखिए इससे मैच करता है कि नहीं, 5 × 5 = 25, 7 के बाद 8 होता है, 7 × 8 = 56। अब आप देखिए तो मैच कर गया होगा, 56 यहां भी था, 56 यहां पर है। 85 का देखिए, 5 × 5 = 25 हो गया, 8 के बाद 9 होता, 8 × 9 = 72 होता है, 72 × 25 हो गया। 95 की बात किया जाए, 5 × 5 = 25 हुआ और 9 के बाद 10 आता है, 9 × 10 में कितना होता है? 90। आप और भी आगे ऐसे बढ़ सकते हैं जहां तक आप कंफर्टेबल फील करें। 5 × 5 = 25, 10 के बाद 11 होता है, 11 × 10 में 110 होता है। इस तरह से जहां तक आपको कंफर्टेबल फील हो रहा है वहां तक में आपको करने में कोई समस्या नहीं है। बट एक चीज आपने ध्यान से देखी होगी कि मतलब हमने 5 के लिए काम किया, 5 के लिए हमने 95 को भी ट्रीट किया, मैंने 2 अंकों के नंबर को, किसी भी नंबर को स्क्वायर करने के दौरान जो प्रोसेस होता है उसको मैंने बताने की कोशिश करी। लेकिन धीरे धीरे आप ऐसी स्थिति में पहुंचेंगे, जैसे मान लीजिए हमने कहा कि 98 है, अब आपको थोड़ी सी कठिनाई होगी। थोड़ी सी कठिनाई का अर्थ है कि अभी यहां पर हम कोई भी प्रोसेस लगाएं, चाहे प्लस बी का होल स्क्वायर लगाए, चाहे वो मैंने जो क्रॉस वाला मेथड बताया उसको अप्लाई करें, किसी को भी करिए, देखिए प्रॉब्लम आपको जरूर होगी। कैसे? 8 × 8 चलो 64, थोड़ा सा वर्ग ज्यादा करना होगा। 8 × 9 = 72 होता, 8 × 9 = 72 = 144 होगा, इसमें कोई समस्या नहीं। 8 × 9 = 72, 8 × 9 = 72, 70 × 70 = 40, 140, 4 = 44 और अंतिम में 9 × 9 = 81। थोड़ा सा प्रॉब्लम तो होगी ही होगी ना, होगी तो कोई दिक्कत नहीं। 4 लिखा, इसको जोड़ा 150, शून्य कैरी 15 और 15 इसमें जोड़ा तो 96 होगा, कितना होगा? 96। तो मतलब थोड़ी सी कंफ्यूजन तो आएगी अगर हम लोग यहां पर इस तरह से मेथड को फॉलो करते हैं जो संख्याएं बड़ी हो जाती हैं। इसके लिए मैं आपको एक मेथड और यहां पर लिखवाने जा रहा हूं आपकी क्लास में कि जब संख्या 100 के नजदीक तथा 100 से कम हो, 100 के नजदीक तथा 100 से क्या हो? कम हो। उस समय हम कैसे मेथड अप्लाई करेंगे? 100 से नजदीक तथा 100 से कम, जैसे पहली संख्या 98 है, मैं सबसे पहले 99 लेता हूं तो 98 की बात करता हूं। चलिए 99 लिखा, अभी 98 पर पहुंचते हैं हम लोग। मेथड वो भी अप्लाई किया जा सकता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर अप्लाई किया सकता है, बट जब अगर कम है तो कम के लिए मैं प्रोसेस आपको बताता हूं। पहले चेक करिए, 100 को बेस हमने बनाया है, मैंने 100 की बात की है, 100 को अगर आधार बनाया है, 100 से संख्या कम है तो चेक करिए कितना कम है। आपने देखा 1 कम है, जितना कम हो उतना ही और कम कर दीजिए। जैसे 1 कम है तो 1 और कम कर देंगे तो 98 हो जाएगा। 1 कम था तो 1 और कम किया तो 98, क्योंकि 1 कम था तो 1 का वर्ग 1 ही होता है, बस उसको 2 अंकों में लिख दीजिए, 98 = 1 हो जाएगा। फिर ध्यान से सुनिएगा, जितना 100 से कम हो संख्या उतना ही और 100 से कम करिए, मतलब सॉरी उतना ही और संख्या से कम करिए। जैसे 1 कम था तो 1 और कम कर दीजिए तो 99 = 98 हो जाएगा। और दूसरी चीज, जितना कम था उसका वर्ग क्या होता है? उसका वर्ग 1 होता है, उस 1 को आप 0 = 1 लिख सकते हैं, तो मान हो जाएगा 98 = 0 = 1। ऐसे अगर आप 98 की बात कीजिए, 100 से कितना कम है? 2, तो 2 और कम करेंगे 96, 2 का वर्ग क्या होता है? 4।
ऐसे आगे बढ़िए 97, 9700 से कितना कम है, 3 और कम करिए 96, 3 और कम करने का मतलब 94, और 3 का वर्ग क्या होता है, 9 होता है, 09, 9409, ऐसे हम 96 लिखते हैं, कितना कम है बताएं, 4 और कम करिए पहुंच गए 92 पे, और 4 का वर्ग क्या होता है, 16 लिख सकते हैं, 92 16 हो गया। अब 95 के लिए मैंने अभी बताया, आप यहां पर भी देख सकते हैं उस मेथड का उपयोग कि 5 कम है, 5 और कम करेंगे 90, 5 का वर्ग कितना होता है 25। इसी तरह से आगे बढ़ते जाएं, अगर हमने कहा कि हम पहुंच गए सपोज करिए 94 पर, देखिए कितना कम है, 6 और कम करेंगे पहुंच गए 88, और 6 का वर्ग होता है 36। इसी तरह से अगर हमने लिखा 93, 7 कम है, 7 और कम करेंगे 7 × 7 = 14, मतलब पहुंच जाएंगे 86 पर, और 7 × 7 कितना होता है 49 होता है। 92 लिखा, 8 कम है, 8 और कम करेंगे 16 कम होगा 84 पहुंच जाएंगे। यहां से देखिए दो लेस होता जा रहा है ना, दो लेस होता जा रहा है, 84 पहुंच गए और 8 का वर्ग होता है 64। इसी तरह से हम लोग यहाँ पर प्रोसेस करते जा सकते हैं। एक चीज में थोड़ा सा, जैसे मान लीजिए कभी आपको 88 का वर्ग करना इस मेथड से, हालांकि उस मेथड से भी कर सकते हैं, 88 का वर्ग करना है तो 8800 से कितना कम है 12, 12 और कम करेंगे तो 24 कम होगा। और वास्तव में बड़ी कंफ्यूजन होती है यहाँ पर, आप देखिए कि हम कितने भी मैथमेटिक्स जानते हो, लेकिन जैसे 100 में से 13 निकालना है, 23 निकालना है, 24 निकालना है, तो हम कंफ्यूज होते हैं। यहाँ पर एक ऐसा, देखिए यही से हमको एहसास होना चाहिए कि मैथमेटिक्स हमेशा परफेक्शन का काम है, यूज टू का काम है। जितना हम यूज टू रहते हैं मेथड पे, उतना ही हमारा रहता है। अभी एक शॉपकीपर जो कि नहीं पढ़ा होता आपकी तरह कंपटीशन मेथड, आप उसके पास जाइए, 100 का नोट दीजिए और 23 रुपए का सामान लीजिए, आपको एक बार कंफ्यूजन होगा कि हम कितना पैसा हमको रिटर्न होगा, लेकिन उसको नहीं होगा, वो तुरंत पहले क्या करेगा, 7 रुपए आपको दे देगा ना, फिर 20 रुपए और दे देगा, कितना दे देगा, 70 और दे, 7 दे दिया, मतलब क्योंकि 23 निकला है ना, 7 दिया तो उसने पहुंचा दिया एक होल फिगर पे, उसके बाद बाकी पैसा रिटर्न कर दिया। तो कहने का अर्थ होता है कि उसको हैबिट होती है, हमें भी हैबिट होनी चाहिए, हम भी ऐसे सोच सकते हैं, अगर 23 निकालना है तो पहले 20 निकाल दे, 80 पर पहुंच गए, 80 में फिर 3 निकाल दे, 77 पर पहुंच गए। तो कहने का अर्थ हुआ कि हम सबसे पहले 12 कम था, 12 और कम करेंगे तो हम लोग यहां पर 24 कम करेंगे, 24 कम करने की बात है, यहां पर 23 की बात नहीं थी। देखिए ध्यान से, तो आइए इसी कड़ी में हम लोग देखते हैं कि जैसे 88 कवर करना है। अब आप देखिए ध्यान से, 8800 से कितना कम है, चाहे तो हम इस मेथड से भी कर सकते हैं, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन 8800 से 12 कम है। अब 12 और निकालने का मतलब कुल 24 निकालना, अब 100 में से 24 निकालना भी एक बड़ा चैलेंज होता है, इसलिए हमको लगता है कि हमें यूज टू रहना चाहिए मैथमेटिक्स में। 24 निकालने का मतलब अगर 20 निकाल दिया, 80, 4 और निकाल दिया तो 76 हो जाएगा, 76 हो जाएगा। और यहां पर 12 का वर्ग आपको दिमाग में होना चाहिए 144 होगा, 144 में ध्यान से, अब देखिए लिखने का प्रोसेस क्या होगा, जो इसका जो सही तरीका है, जैसे हम लोग अभी तक करते आए हैं कि हमेशा हम जैसे अंतिम के दो अंक लेंगे, अंतिम में दो अंक मैंने बोला था, एक अंक इसको देना है, तो ये आपका हो जाएगा 77 44, कितना हो जाएगा 77 44। इसी तरह से आप किसी भी संख्या की बात की, सपोज करिए हमने वहां 82 लेते हैं, 82 सोचिए 18 कम है, 18 और कम करेंगे 36 कम होगा, 18 और कम करेंगे 36, मतलब 30 निकला तो 70, 6 और निकल गया तो 64 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 64। अब 64 है और 18 का वर्ग आपको पता होना चाहिए 200 कितना होगा, 324 होगा, 18 का वर्ग कितना होता है 324 होता है। अब 324 में 24 आपका है, 3 इनका है, तो 67 24 हो जाएगा। इस तरह से हम लोग किसी भी संख्या का वर्ग कर सकते हैं, जो कि 100 के क्या होती है, कम होती है, 100 से लेस होती है। अब 100 से कम और 100 से नजदीक में अगर हम जिस मेथड का यूज कर रहे हैं उसका उपयोग हम बड़ा कर सकते हैं। अगर हम केवल 100 को ना लें, देखिए ध्यान से, जब संख्या 100, 1000, 10000, 1 लाख और आगे बढ़ सकते हैं हम लोग, 10 लाख की भी बात कर सकते हैं, के नजदीक तथा कम हो, के नजदीक तथा क्या हो, कम हो, तो हम उसका उपयोग देखिए कैसे कर पाएंगे और कितना अच्छा इसका यूज हम लोग कर सकते हैं। हम लोग जो अभी 100 का मेथड अप्लाई किए, उस मेथड का यूटिलाइजेशन और प्रयास ये करना चाहिए कि मैथमेटिक्स में मेथड एक हो, उपयोग अनेक हो, यही मेथड पर, यही प्रोसेस पर हम लोग को काम करना है। तो आप देखिए ध्यान से, हमने कहा संख्या 100 के नजदीक हो, 1000 के नजदीक हो, 10000 के नजदीक हो, 1 लाख के नजदीक हो, 10 लाख के नजदीक हो, नजदीक से साथ साथ कम हो, नजदीक के साथ साथ क्या हो, कम हो, जो भी संख्या का हम उपयोग करने जाएंगे, जिसका वर्ग करने जाएंगे, उसको हम लोग यहां पर एक ही मेथड के थ्रू यहां पर हल करेंगे। मैं आपको दिखाता हूं, जैसे मान लीजिए आप कोई एक संख्या ले लीजिए, सपोज करिए हमने कहा कि हम यहां पर ले रहे हैं सबसे पहले
हमने लिखा सपोज करिए यहां पर हमने लिखा यहां पर 98 का होल स्क्वायर हम सोच रहे हैं, हम सभी का स्क्वायर ही सोचेंगे, और भी संख्याएं हम लेंगे लेकिन सबसे पहले हम 98 ले रहे हैं जो बहुत नजदीक है, फिर थोड़ी दूर चलेंगे, फिर और दूर चलेंगे। थोड़ा सा आप लोग ध्यान से देखिएगा जिससे कि आप सबको एहसास हो जाए और ये मेथड अच्छे से आपका क्लियर हो जाए। 98 के लिए जब 100 को आधार हमने बनाया है तो हमने देखा संख्या 100 से कम है, कितना कम है, 2 कम है, 2 ही और कम करिए तो आपकी यह संख्या 96 हो जाएगी, और 2 का वर्ग 4 होता है, 2 अंकों पर लिख दीजिए 04 हो जाएगा। अब अगर इसी को हम लोग यहां पर जैसे अब यहां पर 98 लिखा गया, ध्यान से देखिएगा, यहां पर इसके लिए तो हम 98 की बात किए थे, मैं एक बार यहां पर मेंशन कर देता हूं जिससे कि स्पष्ट आपको समझ में आए, 98 के स्क्वायर की बात किए थे तो आपका कितना आया था, 9604 आया था। अब आपको मान लीजिए एक नंबर दिया गया 998 का होल स्क्वायर, आप सोचिए यह संख्या कैसे हल की जाएगी, क्योंकि यह संख्या 1000 के नजदीक है और 1000 से कम है, कितना नजदीक है और कितना कम है, 2 कम है 1000 से, 2 और कम करिए तो 996 होगा, और 2 का वर्ग क्या होता है, 4 होता है, जैसे इसमें 2 अंकों पर लिखा था, 2 अंक लिखा था अंतिम में, इसमें 3 अंक लिखना पड़ेगा तो 004 होगा, ये हल होगा इसका। देखिए प्रोसेस समझते जाइए, पैटर्न वही फॉलो होता जाएगा। अब जैसे मान लीजिए 9998 का वर्ग होता तो आपको क्या करना पड़ता, 10000 से 2 कम है तो मैं लिखता 9996 और 2 का वर्ग होता है 4, उसको हमें 3 अंक 4 अंकों में लिखना पड़ता है तो 3 बार 0 और 1 बार 4 लिखेंगे। ये देखिए पैटर्न वही फॉलो होता जा रहा है। मान लीजिए लिखा होता 99998 का वर्ग अगर करना होता तो मैं लिखता 99996 और 4 बार 0 बढ़ाते और 1 बार 4 लिखते। पैटर्न आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरह का अप्लाई किया जा रहा है, ध्यान से अगर देखेंगे तो, क्योंकि यह संख्या 1 लाख से कम थी, कितना, 2 कम थी तो 2 और कम किया तो 99996 आया, 2 का वर्ग किया तो 4 आया, 4 को अब की बार कितने अंकों में लिखना है, यहां पर 5 अंकों में लिखना है, 0 यहां पर निर्धारित करते हैं। मान लीजिए लिखा हो 9,99,998 का वर्ग करना हो, जैसे इसमें था उस हिसाब से यहां पर आगे बढ़ रहे हैं, हम लोग यहां पर देख रहे हैं यह संख्या 10 लाख से कितना कम है, 2 कम है, 2 कम है तो 2 हम और कम करेंगे, हमारे सामने हो जाएगा देखिए 9,99,996 और हम 0 बढ़ाएंगे कितने अंकों पर, 6 अंकों पर, तो 5 बार हम लोग यहां पर 0 लिखेंगे और उसके बाद 1 लिखेंगे 4, मतलब जो अंतिम संख्या रहेगी वो हमको 6 अंकों पर लिखनी पड़ेगी। इस तरह से हम लोग यहां पर संख्याओं का निर्धारण कर सकते हैं। और एक नंबर देख लीजिए जिससे कॉन्सेप्ट आपको अच्छी तरह से क्लियर हो जाए। मान लीजिए मैंने कहा हमको दिया है 92, अब 92 का वर्ग है, ध्यान से देखिएगा 92 100 से 8 कम है, 8 और कम करेंगे तो ये 16 कम होगा, मतलब ये हो जाएगा 84 हो जाएगा और 8 अट्ठे होता है 64। चलिए अब इसी चीज को यहां सबके साथ अप्लाई करके देखिए। मान लीजिए आपको दिया है 992 का होल स्क्वायर, 992 का होल स्क्वायर मतलब 1000 से 8 कम है तो 1000 से 8 कम है तो 1000 से 16 कम कर दीजिए, 984 हो जाएगा, 984 और 8 कम है, 8 अट्ठे होता है 64, 64 को 3 अंकों में लिखेंगे 064 हो जाएगा। मान लीजिए ये तो समझ में आ गया होगा, हमें दिया है 9992 का वर्ग अगर करना है तो 10000 से 8 कम है, 8 और कम करेंगे 9000 यहां पर हो जाएगा 9984 और 8 अटे होता है 64, उसको 2 अंक नहीं, 2 अंक मतलब 64 के होंगे, 4 अंकों में लिखना होगा तो 2 जीरो बढ़ाया जाएगा, 0064 हो जाएगा। मान लीजिए 99992 का वर्ग दिया है करने के लिए तो आप देख रहे हैं कि 1 लाख से आपका जो है 8 कम है तो 8 और कम करेंगे तो हो जाएगा 99984 और उसके बाद हमें क्या करना पड़ेगा, 64 को 5 अंकों में लिखना पड़ेगा तो 3 शून्य बढ़ाने होंगे, 00064 लिखना होगा। ऐसे लिखा हो 9,99,992, 9,99,992 का वर्ग करना हो, 10 लाख से भी 8 कम है तो 8 और कम करेंगे तो हो जाएगा 9,99,984 और 64 को हमें अब की बार यहां पर 6 अंकों में लिखना है तो 3 अब की 4 बार हमको 0 बढ़ाना पड़ेगा। ये देखिए ये आपका हल हो गया। इस तरह के पैटर्न अप्लाई किए जाएंगे संख्याओं के वर्ग को निर्धारित करने के लिए। जैसे मैंने यहां पर कम का बताया उसी पैटर्न में ज्यादा का भी है। अब ज्यादा के लिए मैं थोड़ा सा आपको बता दूं, देखिए ध्यान से देखिएगा, जब संख्या 100 के नजदीक, 100 के नजदीक तथा 100 से अधिक हो, 100 से अधिक हो, सेम प्रोसेस है, 100 के नजदीक तथा 100 से अधिक है,
अब वही पैटर्न हम लोग यहां पर भी अप्लाई करेंगे। मैं जानता हूं कि 100 का उपयोग सभी के लिए होगा, चाहे वो 1,000 हो, चाहे 10,000 हो, चाहे 1,00,000 हो, चाहे 10,00,000 हो, सबके लिए होगा। तो मैं यहां पर उसी हिसाब से ले लेता हूं। सबसे पहले 100 लिया, 1,000 लिया, 10,000 लिया, 1,00,000 लिखा, 10,00,000 भी हम लोग ले सकते हैं। हम आपके लिए छोड़ दे रहे हैं एक पैटर्न, जिससे कि आप लोग भी अपने आप को रिलेट करिए और इसको हम लोग जल्दी से कवर कर सके। देखिए ध्यान से, मान लीजिए मैंने एक संख्या लिखा यहां पर, ध्यान से देखते हैं हम लोग, 103। 103 का अगर मुझे वर्ग करना है, क्योंकि यह संख्या 100 के नजदीक है और 100 से ज्यादा है, जैसे कम में जितना कम होता था उतना ही और कम करते थे, उसी तरह से ज्यादा में वह जितना ज्यादा होगा उतना ही और बढ़ाएंगे, 106 हो जाएगा। और 3 का वर्ग क्या होता है, 9 होता है, तो 9 को 2 अंकों में लिखा जाएगा तो 09 हो जाएगा। आपने प्रोसेस समझ लिया होगा करना क्या है, जितना ज्यादा है उतना ही और बढ़ाइए, जितना ज्यादा है, जैसे मान लीजिए 300 से ज्यादा है, मतलब 103, 3 ज्यादा है 100 से, तो 3 ही और बढ़ाया, 106 लिखा, 3 का वर्ग 9, 2 अंकों में लिखने की आवश्यकता है। अब मान लीजिए अगर 1003 होता, 1003 का वर्ग, तो मैं इसको 1006 लिखता और 3 का वर्ग 9 होता है, 3 का वर्ग 9 होता है, तो 9 को 3 अंकों में लिखेंगे, 2 बार 0 बढ़ाना पड़ेगा। मान लीजिए 10003 लिखा होता, इसका वर्ग होता, तो इसको भी उसी हिसाब से लिखते, 10,000 सबसे पहले हम 6 लिखते, 10,006 लिखते, और 9 3 का वर्ग ही होता है, जैसे इसमें 3 अंकों पर लिखना था उसी तरह से इसमें 4 अंकों पर आधारित करना होगा। 4 अंक के लिए आपको 3 बार 0 बढ़ाना पड़ेगा, तब आपको 9 लिखना पड़ेगा। मान लीजिए 1,00,000 की बात है, तो हम लोग यहां पर लिखते हैं 1,03,000। 1,03,000 का वर्ग अगर हमें करना है तो हम लिखेंगे 1,06,000, 1,06,000, 3 का वर्ग 9 होगा, 5 अंकों में लिखना है तो आपको 4 बार 0 बढ़ाना पड़ेगा, 4 बार 0 बढ़ाना पड़ेगा। अब यही प्रोसेस थोड़ा सा और बड़े नंबर पर अगर हम अप्लाई करें, सपोज करिए हमने कहा कि हम लेते हैं मान लीजिए 109 को, 109 को अगर हमने लिया, अब देखिए 100 से कितना ज्यादा है, 9 ज्यादा है, 9 ज्यादा है, तो आप 9 और बढ़ा दें, 118 हो जाएगा, 9 का वर्ग 81 होता है, 2 अंक की संख्या सीधा सीधा लिख दी जाएगी। अब इधर देखिए, अगर मान लीजिए लिखा होता 1009 का वर्ग है, तो सबसे पहले मैं लिखता 1018, 9 बढ़ाते, और 9 का वर्ग 81 होता, 3 अंकों पे लिखना है तो 081 लिखा जाता। इसी तरह से अगर मान लीजिए 10,018 होता, 10,009 होता, इसका वर्ग करना होता तो मैं लिखता 10,018, 9, 9, 81 होता है, 4 अंकों पे लिखना है, 2 बार 0 बढ़ाएंगे। ऐसे ही अगर मान लीजिए लिखा होता 1,09,000 का वर्ग करना है तो मैं लिखता 1,18,000, 9 का 81 होता है, 3 बार 0 बढ़ा दीजिए क्योंकि 5 अंकों में लिखना है, अंतिम में 81 लिख दीजिए। ऐसे ही सभी पैटर्न का उपयोग हम लोग आगे और बढ़ा सकते हैं जहां जरूरत होती है। वर्ग के कुछ एक छोटे से पहलू को मैंने आपके सामने आज प्रेजेंट किया, इससे भी आप काफी हद तक सीखे होंगे और समझे होंगे, मुझे पूरा भरोसा है और उम्मीद है। कुछ जानकारी और संस्थान के प्रति मैं आपको देना चाहूंगा, क्योंकि हम लोग बहुत दिनों के बाद इस एक्टिविटी में जुड़ रहे हैं, तो संस्थान की बहुत सारी ऐसी गतिविधियां, संस्थान के साथ इंटरेक्ट करने का प्रोसेस है, कुछ नंबर होते हैं जो नंबर आपके लिए महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट है, आप सभी नंबर को नोट कर लीजिए, इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए या अपने अकॉर्डिंग अपने डिवाइस में, अपने फोन में आप इसको नोट करें। किसी भी तरह की समस्या के लिए आप इन सब नंबर्स पे कॉल कर सकते हैं, कोई भी तरह की जानकारी के लिए आप इन नंबर पे कॉल कर सकते हैं। नंबर बड़े सीक्वेंस में शेड्यूल में है, 9076605751, यही सीक्वेंस आपको लगातार यहां तक मिलता रहेगा। आप इनमें से किसी नंबर पर कोई भी इंफॉर्मेशन के लिए, किसी भी प्रकार की कंफ्यूजन के लिए संस्थान से संपर्क कर सकते हैं। हमने जैसे आपको बताया कि हम पेट की परीक्षा के लिए तटस्थ हैं और पेट की परीक्षा के लिए हम लोग यहाँ पर अब लगातार काम करने की कोशिश करेंगे। इस कड़ी में मैथमेटिक्स के साथ, मैथमेटिक्स में मैं आपको अब आगे ग्राफ या इससे संबंधित जो भी डिमांड होगी, जिस तरह की रिक्वायरमेंट्स होगी, उस पर हम लोग यहाँ पर काम करेंगे और अगली कड़ी को हम आपके साथ लाइव इंटरेक्शन के माध्यम से जुड़ने का प्रयास करेंगे। हमने हमेशा अपना बेस्ट करने की कोशिश करी है और उसमें संभवतः सफल भी हुए हैं। आप सभी का सहयोग रहा है, आप सभी का प्यार रहा है कि हमने इस तरह की एक्टिविटीज आपके साथ लगातार पिछले कुछ वर्षों से इस पब्लिक प्लेटफॉर्म के माध्यम से यहाँ पर अप्रोच की है। यह सहयोग, यह प्यार हमेशा बना रहे, इस परिस्थिति में एक दूसरे को मजबूत करें। इस परिस्थिति के कोऑर्डिनेशन का ही असर रहेगा कि हम सभी सर्वाइव कर सकेंगे और ऐसे सर्वाइवल हमें नए जीवन को प्रदान करेंगे। मैं आप सभी से ही कहूंगा, फिर से एक पॉजिटिव होकर के नई दिशा में कदम बढ़ाते हुए इस परीक्षा की प्रिपरेशन के लिए लग जाइए, जिससे कि हम सब अचीव कर सकें, इस नेगेटिविटी को अपने माइंडसेट से निकाल सकें। फिर से मैं लाइव कक्षाओं के साथ आपके साथ इंटरेक्ट करूंगा। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच।